गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 1 अप्रैल है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में 52 प्रसंग ग्रंथ में से ये चरित लिया गया है। ज्ञाननिष्ठ श्री गणेशानंद अवधूत अवधूत शब्द का अर्थ है कि ये फक्कड़ होते हैं और ऐसे अवधूत दुर्लभ हैं, क्योंकि इनकी जो रहनी सहनी वो किसी भी प्रकार की हम देखना चाहेंगे कि किसी मर्यादा में, धर्म की मर्यादा या और कोई नियम आदि, तो ऐसा उनके जीवन में नहीं होता। और ये जिनका चरित्र महर्षि ने लिखवाया है, इनको एक विशेषण दिया है ज्ञाननिष्ठ। ज्ञाननिष्ठ शब्द प्रयोग क्यों किया महर्षि ने, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ ये पारिभाषिक शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निकल वर्ड। तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की जो विशेषता बताई गई है शास्त्रों में, वो आवश्यक नहीं है कि इन अवधूतों में या ज्ञाननिष्ठ जो महापुरुष हुए हैं उनमें वो लक्षण मिले हैं, ऐसा आवश्यक नहीं। ब्रह्मनिष्ठ बहुत ऊंची चीज है। ज्ञाननिष्ठ यानी उनकी जो रहनी है उस रहनी में ज्ञान की ही प्रधानता है, इसीलिए उनके जीवन में हम देखेंगे कि किस प्रकार महर्षि ने ये अवधूत शब्द का प्रयोग किया है। श्री गणेशानंद, इनका पूर्वाश्रम यानी जब तक अवधूत नहीं बने तब तक इनका नाम था गणेश प्रसाद रस्तोगी। ये गणेश प्रसाद रस्तोगी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, परिवार था, पत्नी थी, पुत्र था, माता पिता, और धानापुर में ये रहते थे। उनकी दुकान थी धानापुर में। तो महर्षि का मिलना कहाँ हुआ, महर्षि बताएंगे कि एकादशी के दिन और भी मुख्य जो त्यौहार पर्व होते थे, तो हम गंगा स्नान के लिए जब जाते थे तो धानापुर से नज़दीक है गंगा जी, महर्षि के स्थान से, जन्म स्थान से दूर है। तो महर्षि जब जाते थे तो इनको वहाँ देखते थे, इस प्रकार परिचय हुआ। और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, जो मूल प्रसंग है उसमें पढ़िएगा, 52 प्रसंग में 79, 80 और 86 यानी 8 पृष्ठों में बहुत सारी बातें इस महापुरुष के बारे में महर्षि ने बताई है। ये चरित्र जो है, इन चरित्रों के लिए कहा जाता है कि जो साधन भजन करने वाले हैं उनको पढ़ना चाहिए, महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनको पढ़ना चाहिए, कारण कि उससे हमको प्रेरणा मिलती है। उनकी साधना को जब हम पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमको
ये समझ में आवेगा कि अध्यात्म यात्रा में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं और उनको कैसे कैसे महापुरुषों ने उसका समाधान किया है। इसलिए ये प्रायः कहा जाता है कि वैसे श्रीमद् भागवत आदि इसमें चरित भरे पड़े हैं भक्तों के, महापुरुषों के, और भी जितने पुराण आदि हैं, और उसके अतिरिक्त भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे ये पावन प्रसंग, उसमें महर्षि के लिखवाए हुए लेखों का संकलन है, और वो लेख जो हैं वो महापुरुषों से संबंधित हैं। ऐसे ऐसे संत, विद्वान, सद्गृहस्थ जो महर्षि ने अपनी अध्यात्म यात्रा में जिनसे मिलना हुआ, जिनके जीवन का असर महर्षि पर बहुत पड़ा, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी पर, तो समय समय पर वो महर्षि ने लेख लिखवाए थे, उन सब का संकलन पावन प्रसंग ग्रंथ में कर दिया गया। आज वाले प्रसंग में हम देखेंगे कि महर्षि शुरू करते हैं एक यात्रा के द्वारा। एक बार मैं हरिद्वार से वृंदावन पैदल यात्रा कर रहा था, साथ में कई का मतलब 5-7 महापुरुष महात्मा रहे होंगे, तो साथ में कई स्वस्थ सुंदर तगड़े साधु थे। यात्रा हो रही थी हरिद्वार से वृंदावन पैदल यात्रा, तो बीच में रास्ते में एक घटना हुई, उसको बता रहे हैं। एक गृहस्थ सामने से आ रहा था, उसने हम लोगों को देखकर पूछा, गृहस्थ ने देखा कि भाई सब महात्मा हैं, सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, तगड़े हैं, तो थोड़ा मन चला व्यक्ति था, बोले कि बाबा जी आप लोग किस खेत का गेहूं खाते हैं? तो ये जो महात्मा लोग थे उनमें ये अवधूत गणेशानंद जी भी थे, तो उन्होंने उत्तर दिया उस गृहस्थ के प्रश्न का। अवधूत गणेशानंद बोले, हम लोग बेफिक्री का गेहूं खाते हैं। उसने पूछा, आज कहाँ धावा है? अवधूत गणेशानंद ने कहा, आज तुम्हारे घर पर ही धावा है। सचमुच में उस दिन हम सब ने उसके घर ही भिक्षा की। वो गृहस्थ इतना प्रभावित हुआ उन सब महात्माओं से कि उसने अपने घर पर उन सबको भिक्षा करवाई। अब महर्षि शुरू से वर्णन करते हैं कि हमारा मिलना कहाँ हुआ। एकादशी आदि पर्वों पर मैं अपने पितामह के साथ गंगा स्नान के लिए जाया करता था। गंगा जी मेरे गांव से 2-3 मील दूर है। एक सुंदर स्वस्थ एवं युवा पुरुष वहां गंगा स्नान के लिए आते थे। उनका नाम था गणेश प्रसाद रस्तोगी। बार बार मिलना होने लगा। धानापुर में कपड़े की दुकान पर बैठकर ज्ञान वैराग्य प्रकाश पंचदशी आदि पढ़ते थे। परम पूज्य महर्षि का जब धानापुर जाना होता था और मिलना होता था, तो देखते थे कि बैठे तो हैं अपनी दुकान पर कर क्या रहे हैं। ये वेदांत के ग्रंथों के नाम दिए महर्षि ने, पंचदशी, अभी आचार्य जी आए हुए हैं तो पंचदशी का 11वां प्रकरण चल रहा है, 15 अध्याय है पंचदशी में, तो कभी देखते थे कि पंचदशी पढ़ रहे हैं, कभी देखते थे कि महर्षि उनके ग्रंथ को लेकर जब देखते थे, तो ये सब ज्ञान वैराग्य प्रकाश आदि यानी
सब वैराग्य के और वेदांत के ग्रंथों का वो पठन पाठन करते थे। युवावस्था में ही उनके चित्त में वेदांत का संस्कार भरा हुआ था। घर में माता थी, पत्नी थी, पुत्र थे, अच्छा व्यापार था, कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको वह सब नहीं भाता था। अब ये तो हो गई बहुत संक्षेप में उनकी मनस्थिति की चर्चा कि भले भरा पूरा परिवार था परंतु वो स्वयं जो है उसमें अंग्रेजी में कहते हैं कि कंफर्टेबल, उनको भाता नहीं था, उनको वो सब अच्छा नहीं लगता था। ये क्यों नहीं अच्छा लगता था अगले वाक्य में बता रहे हैं। जब उन्हें वैराग्य का आवेश होता घर बार छोड़कर चले जाया करते। अब प्रश्न ये है कि उनके कोई गुरु है कि नहीं, गुरु थे कि नहीं, तो उसको आगे बता रहे महर्षि। उन दिनों चित्रकूट की पीली कोठी के प्रसिद्ध संत, ये महर्षि के नाम राशि हुए हैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज, इनकी बड़ी महिमा थी। उन दिनों चित्रकूट की पीली कोठी के प्रसिद्ध संत गांव गांव में घूम घूम कर शिवोहम का डंका बजाया करते थे। गणेश प्रसाद को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि यही सत्य सिद्धांत है। शीर्षक है ज्ञान निष्ठ श्री गणेशानंद अवधूत। शुरू से ही इनकी रुचि ज्ञान में थी, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते थे वेदांत के, और महर्षि ने बताया है कि युवावस्था में ही उनके चित्त में वेदांत का संस्कार भरा हुआ था। तो अब वो जो महापुरुष जिनकी इतनी प्रसिद्धि थी, आज से करीब 80 साल पहले की बात महर्षि बता रहे हैं, 70-80 साल पहले, शिवोहम यानी हमारा जो स्वरूप है वो तो शिव है। हम जो अपने को ये शरीर मान रहे हैं, ये शरीर तो बिना शिव के शव है। शिव अगर इसमें नहीं है तो ये तो शव तुल्य है। तो इसलिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा उपदेश नहीं, शिवो हम, अपने को हम शिव स्वरूप माने, न कि ये शरीर जो कि वस्तुतः बिना शिव के शव रूप ही है। तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी और इनको ये निश्चय हो गया था कि यही सत्य सिद्धांत है, मैं शिव हूँ, ये सच्ची बात है, और ये जो हम अपने को शरीर आदि मान रहे हैं ये गलत है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि जब ये दृढ़ निश्चय हो गया तो फिर ये जो वैराग्य का आवेश होता और घर बार छोड़कर चले जाया करते और फिर वापस लौट आते घर में, उसका क्या कारण था? महर्षि बता रहे, बुद्धि में निश्चय हो जाने पर भी वैराग्य टिकता नहीं था। इस वाक्य में ये जो लोग साधना करते हैं उनके लिए महर्षि एक सूत्र दे रहे हैं। सूत्र क्या है? वैराग्य टिकेगा कब? वैराग्य तब टिकेगा जब बुद्धि में निश्चय होना पर्याप्त नहीं है। जब तक संसार की वस्तुओं में सत्य तो बुद्धि है, संसार को हम सत्य मान रहे हैं, भले हम शिवो हम आवेश में वैराग्य के कारण घर बार छोड़ भी दें, परंतु जब तक ठाकुर जी से प्रेम नहीं होगा, जो प्रेम है उस प्रेम से स्वाभाविक है कि और जो छोटी छोटी चीज़ों में हमारा प्रेम बटा हुआ है उससे हमको धीरे धीरे उपरांता हो जाती है।
ये तो सीधे वेदांत में उनके चित्त में वेदांत का संस्कार भरा हुआ था, तो ऐसा तो देखने में आया कि वो चले भी जाते थे वैराग्य के आवेश में, पर वो टिकता नहीं था वैराग्य। कभी रोते तो कभी दहाड़ने लगते शिवो हम। रोते क्यों? क्योंकि देखते थे कि वैराग्य टिक नहीं रहा है तो रोना आता है, और कभी कभी जब आवेश में रहते तो दहाड़ते कि शिवो हम शिवो हम। अब परम पूज्य महाराज से, चूंकि महाराष्ट्र से उनका परिचय हो गया था, तो अब आगे की बात बता रहे हैं। एक बार वे यह कहकर कि पारिवारिक नहीं पारिवारिक होना चाहिए, एक ही मात्रा छूट गई है। एक बार वे यह कहकर कि पारिवारिक मोह मुझे बहुत दुख दे रहा है, मेरे समक्ष रोने लगे। देखिए वैराग्य टिकने नहीं टिकने का कारण क्या था कि पारिवारिक मोह जो है वो नहीं छूट रहा था। तो अब वो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये पारिवारिक मोह मुझे बहुत दुख दे रहा है, और ऐसा कहकर महाराज कह रहे हैं कि मेरे समक्ष वो रोने लगे। अच्छा, साथ ही एक बात भी पूछी। क्या बात पूछी? इस बंधन से हमेशा के लिए छूटने की युक्ति पूछी। ये पारिवारिक मोह क्या है? यही बंधन है। तो पारिवारिक वेदांत में जैसे महाराष्ट्र का स्वयं का जीवन हम लोगों ने देखा कि कैसा पॉइंट आया जहां महाराष्ट्र ने जाके संन्यास ले लिया। यहां ये इनके लिए ये बहुत कठिन हो रहा था, तो कोई ना कोई युक्ति होनी चाहिए जिससे ये मोह छूट जाए। तो महाराज ने क्या बताया वो लिख रहे हैं। मैंने विष्णु पुराण में लिखी एक युक्ति उनको बतलाई। क्या युक्ति थी वो आगे महाराज स्वयं वर्णन कर रहे हैं। साधक को चाहिए कि सत्पुरुषों के आचरण की निंदा तो न करे, परंतु कुछ इस ढंग का आचरण करे कि लोग उसका अपमान करें और उसके साथ रहना पसंद न करें। इस वाक्य में दो बातें हैं। साधक को चाहिए कि सत्पुरुषों के आचरण की निंदा तो न करें। जितने सत्पुरुष हुए हैं उन्होंने जो जो आचरण किया है उसमें हमको निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सत्पुरुषों के जीवन को समझ नहीं पाएंगे। तो साधक को चाहिए कि सत्पुरुषों के आचरण की निंदा तो न करें, परंतु कुछ इस ढंग का आचरण करें। विष्णु पुराण में जो युक्ति थी वो युक्ति क्या थी कि लोग उसका अपमान करें और उसके साथ रहना पसंद न करें। यानी गणेश प्रसाद रस्तोगी अगर कोई इस प्रकार का आचरण करते हैं कि घर वाले स्वयं ही कहें कि भाई आप घर से निकलो, तो वो समझ गए और आगे क्या किया उसको बता रहे हैं। गणेश जी के मन में यह बात बैठ गई, यानी वो जो युक्ति बताई थी वो युक्ति उनको पसंद आ गई। एक घर से जिनकी रोटी खाना समाज में निंदित माना जाता था, भिक्षा ली और भोजन किया। हरिजन के घर में चले गए, वहाँ से भिक्षा ले ली। देखिए सद्गृहस्थ है, घर में बच्चे हैं, है ना, पत्नी है, माँ है, और इन्होंने अब गांव है छोटा सा धानापुर, कोई बड़ा शहर तो है नहीं, तो दो तीन दिन में लोग कहने लगे कि वे भ्रष्ट हो गए। लोगों ने बताया घर में कि भाई ये जो गणेश प्रसाद जी है उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। घर में प्रवेश करने पर पत्नी छिप गई और माता जी ने डांटा, अब तुम घर में मत घुसो। आगे डैश डैश इसलिए है कि माता जी ने कहा कि भाई तुम रहोगे तो घर में कोई
बच्चों के संबंध नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए अब तुम घर में मत घुसो। अब वो जो महर्षि ने युक्ति बताई वो काम कर गई, क्योंकि हर बार तो महर्षि ने कहा कि पारिवारिक मोह मुझे बहुत दुख दे रहा है। पारिवारिक मोह कैसे कटा, जब पत्नी छिप गई, यानी पत्नी भी अब नहीं चाह रही है कि ये रहे घर में, है ना। माँ ने तो डांट के कह ही दिया कि अब घर में मत घुसो, तो अब इनका काम बन गया। वे मिट्टी की एक हंडिया लेकर वहाँ से निकले और आगे चलकर गणेशानंद अवधूत कहलाने लगे। तो इस प्रकार संक्षेप में महर्षि ने बताया कि ऐसा भी होता है कि पारिवारिक मोह को काटना बहुत कठिन पड़ता है, तो उसके लिए कोई न कोई युक्ति करनी पड़ती है। एक पापा रामदास करके केरल के बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, हम उनके आश्रम में दक्षिण में जब थे तो दो बार गए थे। एक बार तो एक महीना रुके थे अज्ञातवास में और एक बार फिर गए। पापा रामदास तो गुजर गए शायद 1960 में। उनकी शिष्या कृष्णाबाई, बहुत ही अद्भुत आश्रम है केरल में, आनंद आश्रम नाम है। आज भी पूरे विश्व के लोग जैसे तिरुणमलाई में रमण आश्रम में जाते हैं, वैसे आनंद आश्रम में जाते हैं। इतना प्रेम का वहाँ वातावरण है, देखने लायक है, यानी आदर्श आश्रम, आश्रम का क्या स्वरूप होना चाहिए। पापा रामदास के बारे में पुस्तकें छपी हैं कि उनका जीवन कैसा था, क्योंकि उनके महापुरुषों के जीवन से ही हमको पता लगता है। वो इतना जप करते थे और जब यात्रा में रहते थे, यात्रा का अर्थ कोई उनके साथ में नहीं, अकेले ही, तो अपना बस जप करते और जहाँ कहीं जंगलों में चले जाते थे अकेले, और कभी कभी जब शहर में रहते तो सत्संग भी हो जाता था। एक व्यक्ति जो परेशान था पत्नी से और पापा रामदास को जब उसने देखा तो उसको लगा कि घर छोड़ के इनके साथ रहने में हमारा कल्याण है, तो उनके जीवनी में ये बात आई है। वो आया और कहा कि हम आपके साथ सेवा में रहेंगे। पापा रामदास ने कुछ नहीं कहा, वो अपना जप करते रहते थे, उनके साथ हो लिया। अब वो तो महाराज जंगलों में चले जाते थे, वहाँ कोई बगल में पहाड़ था तो शाम को 3-4 बजे ये इनके साथ हो लिया घर छोड़ के। वैराग्य का समझ लो आवेश या जो भी है ना, घर में दिक्कत थी तो उसको लगा कि यही जीवन बढ़िया है, इनके साथ भिक्षा भी मिल जाएगी और अपना साधन भजन करेंगे। अब वो 3-4 बजे उस पहाड़ी पे चढ़ने लगे पापा रामदास, तो ये तो घर छोड़ आया था, उनके साथ चढ़ तो गया पहाड़ी पे, सोचा कि वापस आ जाएंगे उतर के, उनको तो उतरना था नहीं। रात का समय हो गया, अब रात का समय हो गया, सुनसान जंगल। अब वो पापा रामदास एक पेड़ के नीचे अपना बैठ गए और भजन करने लगे। अब इसने कहा भी कि भाई वापस चलो, तो वो चुप रहे, वो अपना भजन करते रहे। अब इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि अकेले भी जाने में डर लगे वापस लौटने में, तो कोई रास्ता ही नहीं था, तो वहीं पेड़ के नीचे लेट गया पापा रामदास के बगल में। तो वर्णन आया है, पापा रामदास ने वर्णन किया है कि जैसे ही कोई खड़का होता कहीं पर भी जंगल में, तुरंत वो जागता, हाँ ऐसे करके कि कहीं शेर ना आ गया हो, यानी पूरी रात उसको बितानी मुश्किल हो गई। पापा रामदास अपने आनंद में भजन कर रहे थे, उनको किसी की परवाह ही नहीं। सुबह हुई, उठा
और उठ के सीधे घर लौट गया। तो ये जो युक्ति है ना, यहाँ तो एक सामान्य घटना बताई पापा रामदास के जीवन की कि कैसे व्यक्ति सोचता है कि इतना सरल मार्ग है ना, पर इनके हृदय में वैराग्य था। बस ये इतना ही नहीं पता था कि ये जो घर का मोह है इसको कैसे काटा जाए। तो उसकी जैसे ही युक्ति मिली और ये अपना हंडिया लेके घर छोड़ दिया। अब आगे का वर्णन इनका जो है ये संक्षेप में 3-4 पैराग्राफ में है। महर्षि कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन रहने लगा तो वे आकर मेरे पास रहने लगे। यानी महर्षि ने संन्यास लिया और 42 में संन्यास हुआ। 42 में संन्यास होने के पूर्व उड़िया बाबा जी महाराज से संबंध तो हो ही गया था। तो बाबा कभी रामघाट रहते थे, कभी कर्णवास रहते थे, कभी वृंदावन आते थे। तो आगे चल के महर्षि वैसे संन्यास के बाद जबलपुर में ज़्यादा रहे पर फिर वृंदावन आ गए। तो महर्षि कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन रहने लगा तो वे आकर मेरे पास रहने लगे, क्योंकि उड़िया बाबा जी महाराज के भक्त थे जेके परिवार। तो जेके परिवार वालों ने ये दो मंदिर बनवाए और बाद में दोनों मंदिरों के सामने जो स्थान है वो उड़िया बाबा के लिए बनवाया। उड़िया बाबा तो वहाँ नहीं रहे, महर्षि ही वहाँ रहे जहाँ आजकल श्रवणानंद जी रहते हैं। और परम पूज्य महर्षि बम्बई वगैरह जाते थे और भी पूरे भारत में घूमना होता था, जगह जगह पर सत्संग होता था। पर वृंदावन जब रहने लगे महर्षि तो ये भी आ गए वहीं पर, गणेशानंद अवधूत। एक बार वे मुझसे कहने लगे, देवी भागवत में शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, तमोगुणी लोग यहाँ तीर्थ है, यहाँ वहाँ तीर्थ है, इस प्रकार की भ्रांति से भटकते रहते हैं। तीर्थ तो केवल अपना आत्मा है, उसको वे पहचानते नहीं। तो देवी भागवत का एक श्लोक है, इदम तीर्थम भ्राम्यन्ते तामसा जनाः आत्मतीर्थम न जानाति। तो पार्वती को शंकर जी वहाँ उपदेश कर रहे हैं देवी भागवत में। तो इन्होंने ये श्लोक रट लिया और श्लोक रट के, क्योंकि वेदांत के संस्कार थे ही और ये इनको बहुत पसंद आया, तो महर्षि को कहा इन्होंने, क्या कहा कि देवी भागवत में शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, तमोगुणी लोग यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है, इस प्रकार की भ्रांति से भटकते रहते हैं। तीर्थ तो केवल अपना आत्मा है, उसको वे पहचानते नहीं। तो महर्षि को पता था कि ये वेदांत की बातें ज़्यादा करते हैं और वो वृंदावन जैसे स्थान में, तो महर्षि ने उनको थोड़ा सावधान किया। मैंने उनसे कहा कि वृंदावन में ऐसा कहोगे तो लोग तुमको मारेंगे। मैं उन पर नाराज भी हुआ, वो थोड़े से जिद्दी टाइप थे, तो महर्षि को जानबूझकर उनके भले के लिए नाराज होना पड़ा, क्योंकि नहीं तो वो जिस चीज़ को मना करेंगे उसी को ज़्यादा करता है व्यक्ति। तो महर्षि कह रहे हैं मैं उन पर नाराज भी हुआ। दूसरी वेदांत की बात वो क्या कहा करते थे वो नीचे कह रहे हैं। वे प्रायः निम्न दोहा बोला करते, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। शुरू में ही महर्षि ने ये बात बता दी है कि युवावस्था में ही उनके चित्त में वेदांत का संस्कार भरा हुआ था। तो इसलिए ये जो निम्न दोहा वो प्राय बोलते थे उसका भाव क्या है कि कोई कहे कि हमको तत्व का साक्षात्कार हो गया है, हमने तत्व को पा लिया है। पाया कहे सो बावरा, अरे वो पाया थोड़ी जाता है, ये जो माला है, कई बार मैंने दृष्टांत दिया, तो हम
वहाँ अपने कमरे में इसको ढूंढ रहे थे। पुजारी जी आए, बोले कि स्वामी जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमने कहा कि माला पता नहीं कहाँ रख दी। तो पुजारी जी की दृष्टि गई तो माला हमारे गले में ही थी। उन्होंने बताया कि स्वामी जी आपके गले में ही है। पाया कहे सो बावरा, अब ये प्राप्तस्य प्राप्ति, यानी ये तो पहले से ही हमारे गले में है, तो इसको पाया कहाँ? कोई कहे कि हमने तत्व को पा लिया, तो तत्व तो हमारा स्वरूप है, वो तो मैं ही हूँ। तो इसलिए पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। कोई कहे कि भाई तत्व पता नहीं क्या है, कहाँ है, उसको ढूंढे हम, है ना? वो भी कूर कहो बावरा कहो एक ही बात है। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ये तत्व की विशेषता है कि महात्मा जो सद्गुरु हैं वो लखाते हैं कि वो तुम्हारा ही स्वरूप है। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अब ये तो कुछ बातें उनके बारे में बता दी, अंत में बता रहे हैं विरक्त लोग उनका बहुत आदर करते थे। क्यों? बस वो हंडिया और कोई परिग्रह नहीं, उनकी निष्ठा अद्वैत वेदांत में अत्यंत दृढ़ थी। उनके मन में जाति पाति का कोई भेद नहीं था, वे स्वतंत्र और स्वावलंबी रहे। अगले पैराग्राफ में महर्षि एक विशेष बात बता रहे हैं उनके जीवन की। स्वतंत्र थे, स्वावलंबी थे। 85 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई धन नहीं रखा। रमणानंद जी का जीवन हम लोगों ने देखा, अभी तो उनकी आयु इतनी नहीं है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, व्यक्ति व्यवस्था हो जाती है कि भाई कोई शिष्य रहे, कोई सेवा में रहे। पर ठाकुर जी की कृपा थी, स्वतंत्र और स्वावलंबी रहे। 85 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई धन नहीं रखा, अपना सब काम स्वयं करते थे। वे मृत्यु पर्यंत यही बोलते रहे, दृश्य कहाँ है? दृश्य का अस्तित्व है नहीं। दो विभाग करते हैं, ये पूरा सब दृश्य है, उसमें शरीर भी दृश्य है और दृष्टा यानी देखने वाला। तो पूरा का पूरा संसार को दो ही शब्दों में कह सकते हैं, दृष्टा और दृश्य। तो जैसे स्वप्न में जब हम सो गए तो स्वप्न में दृश्य दिखा, उस दृश्य में हमने गोविंदानंद को भी देखा। गोविंदानंद तो बिस्तर में सोया है, पर स्वप्न का गोविंदानंद है ना, और जो भी दृश्य, उस दृश्य का क्या हुआ? जब हम जगे, दृश्य का अस्तित्व थोड़ी था, वो तो प्रतीति मात्र थी, बिना हुए हुए दिखा, था कुछ नहीं। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है, स्वप्न। वेदांत कहता है कि ये जो जागृत में दृश्य है, ये जो जगत और ये जो शरीर, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये है नहीं। है नहीं का मतलब, जब तत्व में हम जागेंगे, जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे, तो वो स्वरूप जो है हमारा, उस स्वरूप की दृष्टि से ये दृश्य भी बिना हुए हुए भास रहा है। इस वाक्य को महर्षि बहुत बार बोलते थे, ये सब बिना हुए हुए भास रहा है। तो जो बिना हुए हुए भास रहा है, उसको हम सत्य मान के इतने दुखी हो जाते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए, वहाँ स्वप्न में हम दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये स्वप्न है। तो ऐसे ही, क्योंकि सच्चाई का हमको पता नहीं है, है ना, इसी को कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि पारिवारिक मोह मुझे बहुत दुख दे रहा है, मेरे समक्ष रोने लगे। तो पारिवारिक मोह क्या है? कहाँ छूट रहा था? नहीं छूट पा रहा था।
घर छोड़ के चले जाते, फिर आ जाते। अंत में महर्षि ने जब युक्ति बताई, अब वही महापुरुष, देखिए उनका जीवन, यानी ये तो मैंने संक्षेप में यहाँ लिया है, वहाँ विस्तार में पढ़िएगा। तो कह रहे हैं महर्षि कि वे मृत्यु पर्यंत यही बोलते रहे, दृश्य कहाँ है, दृश्य का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ज्ञाननिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ श्री गणेशानंद उद्धव, यानी इनके हृदय में एक निश्चय हो गया है कि ये है नहीं। जैसे हम टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो हमको पता है कि वो सब सच्चा नहीं है, तो देखते हुए, ऐसा नहीं कि देखने के बाद पता लगता है, जब देख रहे होते हैं उसी समय पता है कि वो सच्चा नहीं है। इसी प्रकार जो ज्ञाननिष्ठ महापुरुष होते हैं, उनको पता है कि ये दृश्य है नहीं, ये शरीर, ये जो पूरा जगत, ये प्रतीति मात्र है। इसको सत्य मान के जो हम सुखी दुखी होते हैं, है ना, वो ऐसे अवधूतों के जीवन में वो नहीं होता। मृत्यु पर्यंत यही बोलते रहे, दृश्य कहाँ है, यानी दृश्य का अस्तित्व नहीं है, ये बिना हुए वे भास रहा है। देह कहाँ है, सिर्फ दृश्य का निषेध करें वो गलत है। देह को हम सच्चा मान रहे हैं, देह के लिए हम सब खाना पीना, है ना, अपनी सेवा, अपना बैंक बैलेंस, दृश्य भी नहीं है, देह भी नहीं, क्योंकि देह भी दृश्य है। इसलिए महर्षि लिखने में, क्योंकि लिखवाया हुआ लेख है, बहुत सावधान है। दृश्य कहाँ है, देह कहाँ है, यानी दोनों का अस्तित्व नहीं है। शरीर में रोग एवं अशक्ति आ जाने पर भी यही कहते शिवोहम। जैसे जैसे रोग और अशक्ति आती है, वैसे वैसे व्यक्ति, है ना, रोग हावी हो जाता है, फिर वो जाता है जगह जगह, भाई डॉक्टर लोग कैसे भी करके इसको, शरीर को बचा ले। वो क्या है, वो वैराग्य की कमी। किसी ने पूछा, आपके शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? उन्होंने कह दिया, संस्कार विकार कुछ नहीं, शिवोहम। यानी ऊपर ही कह दिया कि देह कहाँ है, है ना, तो उसका फिर संस्कार विकार जो है, नाम रूप टूट गए, तत्व तो तत्व है ही, यानी उनका शरीर छूट गया, तत्व तो तत्व है ही। श्री राम जय जय राम।